मैथमेटिक्स को हमने चार फेजेस में बांटा है। पहला फेज है ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस और चौथा बचा कुचा, जिसमें 2D, 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, मैट्रिक, वेक्टर और डिटरमिनेंट आता है। ठीक है, तो पहला फेज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, करीब 25 क्वेश्चंस आपको NDA में पूछे जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल एग्जाम्स, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वो ट्राइंगल से पूछते हैं। SSC में भी 2013 से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को जोड़ दिया गया है। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब पहली चीज तो ये जो त्रिकोणमिति शब्द है, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ये तीन रूट इसमें छुपे हुए हैं। पहला रूट है इसमें ट्राई, और जहां भी इंग्लिश में ट्राई आ जाए इसका मतलब होता है तीन, यानी कि थ्री। जहां भी इस इंग्लिश में GON आ जाए इसका मतलब होता है एंगल, यानी कि कोण। और जहां भी इंग्लिश में मेट्री आ जाए इसका मतलब होता है मापन, और मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई शब्द इंग्लिश में कहीं आए इसका मतलब तीन होता है। जैसे ये ट्राई पॉड है, इसकी तीन टांग है ना। पॉड का मतलब होता है पैर। POD शब्द जहां भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? पैर। जैसे ये पोडियम है, पोडियम का मतलब ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इसका मैं सहारा लेके आपको पढ़ा रहा हूं। ये ट्राई पॉड, तीन टांग है इसकी। ट्राई साइकिल, रिक्शा जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राई साइकिल। तो ट्राई का मतलब तीन, और GON का मतलब होता है कोण। जैसे कि आपने पढ़ा है पॉलीगन। पॉली शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो पॉलीगन किसको कहते हैं? बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों और बहुत सारे जिसके कोण हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो GON का मतलब कोण, और पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे कोण। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं पॉलीगन। सिमिलरली आपने सुना होगा ऑक्टागन, ऑक्टका, OCT का मतलब होता है आठ, और GON का मतलब एंगल। तो जिसमें आठ एंगल हैं उसको कहते हैं अष्टभुज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आठ एंगल जिसमें होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अष्टभुज। सिमिलरली डेकागन, DEC शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है दस। तो डेकागन का मतलब कितना हुआ? दस। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ट्राई प्लस GON प्लस मेट्री होता है। ट्राई का मतलब तीन, GON का मतलब एंगल, जिसके तीन एंगल हो ऐसा फिगर कौन सा होता है? ट्राइंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज के कोणों के मापन से रिलेटेड है ये ट्रिग्नोमेट्री। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें चूंकि आप जानते हैं कंपटीशन में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, तो पहली चीज तो आप मुझे बताएं, क्या आपको साइन कॉस टेन की 90 तक वैल्यू याद है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना याद हो हाथ खड़ा करें। साइन 30 की कितनी होती है? ये तो सबको याद है। याद नहीं है तो मैं देखिए लिखा देता हूं आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं सबसे पहले साइन थीटा की बात करूं, साइन की वैल्यूज की बात करूं, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। 30 का मान कितना होता है? लेकिन मैं 1/2 नहीं कहूंगा, मैं इसको क्या 1/2 को 0.5 कह सकता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। लेकिन 1/√2 का मतलब 1.414 कह सकता हूं, या इसको मैं 10/14 कह सकता हूं, या मैं इसको क्या कह सकता हूं? 5/7 कह सकता हूं, या इसको लगभग 0.7 कह सकता हूं। तो भाई मैंने ये 1/√2 ना कह के मैंने इसकी वैल्यू क्या कह दी? ये कितनी है? 0.7। 60 की रूट 3/2 होती है, लेकिन रूट 3 का मान कितना होता है? 1.7/2, यानी कि लगभग 0.85। कोई दिक्कत भाई? यहां इसको मैं 0.85 कह सकता हूं, और 90 पे कितनी हो जाती है? 1। अब साइन की वैल्यू में एक ऑब्जर्वेशन आप नोट करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है नहीं भाई, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है, यानी इसका जो मान है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो भी बढ़ता जा रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कॉस की वैल्यू
जस्ट इससे उल्टी होती है। कॉस की अगर हम वैल्यू लेंगे तो 1.85, यानी इसको उल्टा करके लिख रहे हैं 0.7, 0.5 और ये 0, यानी इसमें जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था साइन 66 की वैल्यू ज्यादा है या कॉस 66 की, क्या बताएंगे आप? साइन 66 की, क्योंकि साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा टेन थीटा के बारे में आपको कुछ सोचना है, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। टेन जीरो की जीरो, टेन तीस की होती है 1/√3 का मतलब लगभग 1/1.7, या इसको मैं कह सकता हूँ 10/17, और 17 कितने 0.1785, 17 6 के 102 होते हैं, तो इसको मैं 0.6 कह सकता हूँ। क्या मैं 1/√2 को पॉइंट, रूट थ्री को 0.6 नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। तो आप ही कह रहे हैं, इसकी वैल्यू मैं 0.6 कह सकता हूँ, कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू रूट थ्री का मतलब 1.7, और 90 की क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अब मैंने बच्चों कल भी आपको ये चीज़ बताई थी, हमें केवल उन फंक्शन से डरना है जो नॉट डिफाइंड है, जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप हैरान हो जाएंगे, 60 से लेके 90 के बीच की वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट होती है, जैसे कि अगर 10/85 की बात करें तो उसकी वैल्यू आती है लगभग 11.6 या 7, और अगर 10/80 की बात करें तो उसकी आती है 5.6। सिमिलरली 10/75 की बात करें तो 3 point something, यानी कि इसकी वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशन होता है। इसीलिए मैं 10 को थोड़ा 60 से 90 की वैल्यू के बीच में भी हम टेस्ट करेंगे। तो 10 में भी होता क्या है वैसे, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जा रहा है या नहीं? और मैंने कल आपको कहा था, ये नॉट डिफाइंड का केस समझाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर वाई बराबर 1/(x-2) है तो आप इस फंक्शन को एक्स की किसी भी वैल्यू पर परिभाषित कर सकते हैं 2 को छोड़कर, क्योंकि जैसे ही आप x बराबर 2 लेंगे ये फंक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर में 0 आ जाएगी। मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है कि 1/0 को परिभाषित किया जा सके। बहुत लोग कहते हैं इस पर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी है अनंत। क्या अनंत का कोई और छोर हो सकता है, इस यूनिवर्स का कोई और छोर है? गिन सकते हो कितने तारे, कितनी गैलेक्सीज हैं? सवाल ही नहीं है। मतलब खरबों तो सूर्य के बाप पड़े हुए, पृथ्वी की तो औकात ही क्या है। और ऐसे प्लैनेट्स हैं 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में चलने वाली लाइट, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले किसी स्टार से चली है पृथ्वी की तरफ, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाई। और साइंटिस्ट कहते हैं कि 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में चलने वाली लाइट पृथ्वी तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगी और पृथ्वी की आयु पूरी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या इसको परिभाषित किया जा सकता है? परिभाषित करने का मतलब क्या है, व्हाट इज टू डिफाइन समथिंग, टू डिफाइन समथिंग इज टू कन्फाइन इट। किसी को परिभाषित करने का मतलब क्या है, आपने उसको कन्फाइन कर दिया, बंधन में बांध दिया परिभाषा की। एग्जिस्टेंस को आप बंधन में बांध पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इन्फिनिटी, या फिर ऐसे समझ लें ये एक सी समुद्र की तरह है। अब समुद्र में तुम 2 लोटे पानी डालोगे ये तो नहीं कह दोगे ना समुद्र का लेवल बढ़ गया है, या 4 लोटे पानी निकाल लोगे तो ये भी नहीं कह दोगे समुद्र का लेवल घट गया। तो इसीलिए अनंत के साथ हम कभी काम नहीं करते, और चूंकि वो वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है इसीलिए मैं सारा इन्वेस्टिगेशन 60 से लेकर 90 तक का आपको बताऊंगा किसकी वैल्यू क्या होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए ये इन्फिनिटी है, और मैंने इसके बारे में एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताई, क्यों इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि एक ही मैथमेटिशियन इस दुनिया में जो रहे हैं रामानुजम नाम से, केवल वही जानते थे, केवल और केवल उसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी, जो व्यक्ति अनंत को जानता था। और अनंत को वो इस प्रकार से जानता था, सबरे नेचुरल नंबर्स का सम, सारी प्राकृतिक संख्याओं का सम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, इन सब का योग कितना होता है, माइनस का 1/12। अब तुम्हारी सबरी मैथमेटिक्स धरी रह गई या नहीं भाई, कितना बड़ा सम होना चाहिए सबरी प्राकृतिक संख्याओं का, सारे नेचुरल नंबर्स का, लेकिन आंसर कितना आता है, माइनस का 1/12। ये रामानुजम की थ्योरम थी, और इंटरनेट से देख लेना, इसको प्रूव भी कराया उन्होंने।
लेकिन चूंकि ये मसला आपके कोर्स में नहीं है तो आप केवल इतना जरूर समझ लें कि अनंत को टच करना हर एक के बस की बात है, क्योंकि रामानुजम ही वॉज एक्सेप्शनली गुड इन मैथमेटिक्स। हालांकि वो पढ़ने में इतने नहीं थे, लेकिन मैथमेटिक्स में जो उनकी योग्यता थी वो अभूतपूर्व थी। वो क्लर्क थे, मैट्रिक में फेल हो चुके थे, लेकिन उनके एक क्लर्क साथी ने बोला कि भाई जब तुम्हारी इतनी अच्छी मैथमेटिक्स है तो आप ऐसा करो, अमेरिका जाओ, वहां के टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन से मिलो। तो उस समय के तत्कालीन जो सबसे टॉप वर्ल्ड के मैथमेटिशियन थे वो थे प्रोफेसर हार्डी अमेरिका में। तो प्रोफेसर हार्डी को रामानुजम ने अपनी कुछ थ्योरम्स 140 के करीब ज्यामिति की थ्योरम्स भेजी प्रूफ करके, और प्रोफेसर हार्डी ने जब वो थ्योरम्स देखी तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति इन थ्योरम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। प्रोफेसर हार्डी ने उनको बुलाया और उनमें ऐसी अभूतपूर्व योग्यता की थी कि मैथ्स का कोई सवाल आप लिख दें वो तुरंत आंसर दे देते थे। अभूतपूर्व योग्यता, एक्सेप्शनली गुड। और उनको बोन टीवी हो गया करीब 32-34 साल की उम्र में, वो जल्दी एक्सपायर हो गए। प्रोफेसर हार्डी जब वो अपने अंतिम दिनों में थे उनको देखने गए तो प्रोफेसर हार्डी जिस गाड़ी से आए थे ना उस गाड़ी के 4 नंबर थे और 4 नंबरों की 4 विशेषताएं रामानुजम ने तुरंत बता दी। प्रोफेसर हार्डी को रामानुजम के जाने के बाद लगभग 3 साल लगे वो प्रूफ करने में उन 4 नंबरों में ये विशेषता है या नहीं। 3 विशेषताएं उन्होंने प्रूफ कर दी और प्रोफेसर हार्डी का भी फिर अंतिम समय आ गया था और वो अपने संस्मरण में लिख के गया है कि अगर रामानुजम ने कहा है तो सही ही कहा होगा, मैं इसको प्रूफ नहीं कर पाया, मेरा जीवन पूरा हो चुका है, आगे अगर कोई इस नंबर की विशेषता देखना चाहता है तो इस नंबर में ये खूबी भी पाएगी क्योंकि ये रामानुजम ने कहा। ही वॉज सो गुड। तो हमें यहां एक्सेप्शंस पर, अपवादों पर काम नहीं करना है, इन्फिनिटी से बचना है। जहां चाहे यहां पर बचें, पूरी मैथमेटिक्स में मैं यही आपको गाता रहूंगा कि हम केवल उन्हीं फंक्शंस के साथ काम करेंगे जिनको प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी आपको वो वैल्यू अवॉइड करनी है जहां इन्फिनिटी हो रहा है, राइट? वो वैल्यू अवॉइड करनी है जो नॉट डिफाइंड है। 0/0 भी नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड की बहुत सारी फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो नॉट डिफाइंड फंक्शंस के साथ हम काम नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं ये देखिए ये सब चीजें क्यों आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं पूछूं sin 33 की वैल्यू क्या है, क्या आपको पता है? sin 47 की वैल्यू क्या आपको पता है? लेकिन भैया sin 33 की वैल्यू 0.5 से कुछ ज्यादा होगी और 0.7 से काफी कम होगी। इसकी वैल्यू 0.5 और 0.7 के बीच में होगी या नहीं? क्योंकि साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे एंगल बढ़ता है, तो कम से कम 30 से तो बढ़ाई है 33, तो 0.5 से तो ज्यादा होगी। कितनी हो जाएगी? 0.52 लगभग, ज्यादा से ज्यादा 0.53 हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगी? नहीं होगी ना। 47 की आपको वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि भाई 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, मान लिया 0.78 होगी, मान सकते हैं, और 0.85 से काफी कम होगी। अगर आपको 10-15 का मान पूछा जाए तो आपको पता है भाई 10 में भी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैल्यू बढ़ती है, तो 15 का मान पूछा जाएगा तो आपको पता है 30 का 0.6 होता है, इसका लगभग 0.3 होता है, लेकिन कितना होता है? 0.25। 0.25 में और 0.3 में कोई अंतर है क्या? 0.5 का अंतर है, और 0.5 का अंतर चलता है, 0.5 का भी नहीं है, 0.05 का अंतर है। तो 0.05 का अंतर कोई ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता, इससे कैलकुलेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब जरा कुछ और वैल्यूज नोट करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। इसके बाद हम वैल्यू का ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले ये नोट कर लेना वैल्यू अलग से, 10 का मैं परीक्षण कर रहा हूँ वैल्यूज का। टेन 60 तक की तो पता ही है, 10-65 की वैल्यू लिखी है, 2.1, 10-70 की वैल्यू लिखी है, 2.7,
टेन पिचहत्तर की लिखी है, 3.7 टेन अस्सी की लिखी है, 5.6 पॉइंट सिक्स है, लेकिन आप पॉइंट सिक्स के चक्कर में मत पड़े, पॉइंट सेवन लिख लें क्योंकि सभी पॉइंट पॉइंट सेवन है। 1085 इसकी वैल्यू लिखी है, 11.7 वैसे 11.4 होती है, लेकिन मैं 11 आपको 7 लिखा देता हूं क्योंकि ज्यादा असर नहीं पड़ना है। ठीक है भाई, अब देखिए 60 के बाद किस कदर वैल्यू बढ़ती है। अगर हम चर्चा करें 60 से 65 तक, तो 1.7 से कितना बढ़ गई है ये, 0.4। 0.4 का मतलब 0.1 का इजाफा हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए 1063 का मान क्या होगा, तो हमारा लगभग कितना होगा भाई, 60 की होती है 1.7, 1.8, 1.9 तीन हो जाएगा, ज्यादा दो हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। कहानी समझ में आ रही है, 63 की कितनी होगी, दो। अब 65 से अगर 70 की तरफ चलते हैं तो कितनी बढ़ गई, 0.6, यानी लगभग यहां भी 0.1 का ही इजाफा आता है, 1.1 का, 1.1 का ही तो हर एक पे इजाफा आएगा। अगर आपको पूछा जाए भाई 68 की कितनी होगी, तो 68 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 65, 66, 67, 68, तो यानी कि 3.3 इसमें और जोड़ दो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ 1.1 नहीं बढ़ रहा, 0.1 सॉरी, यहाँ पे हर वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 0.1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है, एक। 70 से 75 कितनी इंक्रीज हुई है, एक। एक का मतलब हर वैल्यू में कितना इजाफा हो रहा है, 0.2 का हो रहा है, नहीं हो रहा, हर वैल्यू में 0.2 का इजाफा हो रहा है, तभी तो 75 पे 3.1 हो गई है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 का इजाफा हो रहा है, यानी कि हर एक में 0.4 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे लगभग 6 का हो गया है, तो 6 का मतलब आप समझिए लगभग 1 का इजाफा हो रहा है, यानी कि 1.1 का। तो ये वैल्यूज आप थोड़ा सा याद रखिए कि किस तरह से चेंजेस होते हैं, बाद बाकी की आप अकॉर्डिंगली निकाल लें। ये बात समझ में आ रही है। मैं देखिए क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं जो एनडीए में पूछा गया है आपको। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है अगर आपको दिख रहा हो तो, और मैं इसको अलग से ले लेता हूं एक बार। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पहले तो बताइए सब देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं देख पा रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं सब, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन। हाँ, ये एनडीए सेकेंड 2011 में पूछा गया है कि 10 9° माइनस 10 27° माइनस 10 63° प्लस 10 81° का मान क्या होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। देखो 10 30 का, 10 9 का हमें निकालना है, तो 10 15 का आप जानते हैं कितना होता है, 0.3 या फिर 0.25, तो लगभग इसका आधा होना चाहिए, यानी कि 0.12। 9 का लगभग 0.12 मान सकता हूँ, कोई परेशानी। इसका होता है 0.6, किसका, 30 का होता है। 10 30 का मान कितना होता है, 0.6 बताया था मैंने आपको, और 0.6 बताया तो 27 का कुछ कम होगा, मान लिया 0.5, कोई दिक्कत। माइनस 63 का आपको बताया, 60 का 1.7 होता है,
तो 63 का कितना होगा, 1.9, यानी कि 2 समझ लें, चलो 1.9 समझ लीजिए, 2 समझ लीजिए, क्योंकि पॉइंट से कोई असर नहीं पड़ना है। टेन 81, टेन 80 का मान होता है 5.7, और जैसे जैसे हम एक बढ़ते हैं तो लगभग 1.1 बढ़ जाता है, यानी कि इसका कितना होगा लगभग 6.7, तो इसका मान होगा लगभग 6.7। बताइए कोई परेशानी यहां तक हो तो, इन वैल्यूज में कोई दिक्कत आपको? अब आप देखिए आंसर कितना आना चाहिए, यानी कि यहां कितना घट रहा है, 2.4 घट रहा है, और 2.4 का मतलब 6.8 में थे, 2.4 घटेगा तो लगभग आंसर 4 आना चाहिए। 3 तो आने से रहा, 2 आने से रहा, 1 आने से रहा, आंसर इज 4। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, आई कहानी समझ में नहीं आई भाई? मैंने आपको बताया था कि 10 15 की वैल्यू 0.25 होती है, बताया था, तो 9 की क्या होनी चाहिए, लगभग इससे आधी, लगभग आधी यानी 0.12। 10 30 का मान 0.6 होता है, 27 का कुछ कम होना चाहिए, 0.5 मान लिया। 10 63 का मान कितना होता है, 1.7, सॉरी 10 60 का 1.7, तो 63 का कितना मान लिया, 1.9। 10 81 का होता है 5.7, और जैसे जैसे 80 का होता है 5.7, 81 तो एक बढ़ जाएगा, 82 तो एक बढ़ जाएगा, 83 तो एक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो 1.1, लेकिन चलो एक ही बढ़ा लो, तो आंसर कितना होगा 6.7, या इसकी वैल्यू आनी चाहिए 6.8, क्योंकि 1.1 बढ़ता है ना, उसकी 5.7 थी। देखो अगर 80 की हमारी कितनी है, 5.7 है, और 85 की कितनी है, 11.7 है, अंतर कितने का है, 6 का, और डिग्रीज में 5 डिग्री पे अंतर किसका पड़ रहा है, 6 का, तो 1 डिग्री पे कितना पड़ेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 1 डिग्री पे कितने का अंतर पड़ेगा, 6/5, 1.2 का। तो अगर आपको 81 की पूछी जाए तो उसमें 1.2 आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा 6.9, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, लगभग 6.9, अगर एग्जैक्ट निकालनी है तो। आप कहानी समझ में आ रही है? अब आप सबको जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, देखिए तो लगभग हमारा 3 से ज्यादा आना चाहिए, देख लो 6.9 में से 1.9 गया तो कितना बचा, 5.9, 6.9 में से 1.9 गया तो कितना बचा, 5.9, और 5.9 में से 0.5 गया और उसमें 0.12 जुड़ा, तो यानी लगभग हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, तो उसका आंसर कितना होगा, 4। ये बात आपको समझ में आई? तो ये सारा ऑब्जर्वेशन किससे आया, वैल्यूज से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर ये वैल्यूज आपको आ गई हैं तो देखो मैं एनडीए के और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ।